स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करते हैं मैथ कक्षा 11 की समुच्चय क्या है। तो देखिए, समुच्चय क्या है। समुच्चय वस्तुओं के उस समूह को कहते हैं, समुच्चय वस्तुओं का वह समूह होता है जो जो प्रत्येक वस्तु किसी न किसी गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुओं का मतलब, जैसे कोई कह देता है कि भारत की सभी नदियों का समूह, तो मतलब वो कह रहा है। देखिए परिभाषा, देखिए, वस्तुओं के उस समूह को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तुएं किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती हैं। तो एक न किसी गुण के कारण ही वह समुच्चय कहलाते हैं। जैसे कह देते हैं भारत की नदियों का संग्रह, तो उसमें क्या आ जाता है, सभी नदियां आ जाती हैं। तो चाहे छोटी नदी हो चाहे बड़ी नदी हो, कहलाएगी तो नदी ही। तो इसी वजह से एक विशेष गुण आ जाता है नदी का, तो समुच्चय कहलाती है। अब जैसे हम कह देते हैं कि क्लास के सभी होशियार बच्चों का समुच्चय, या तो उसमें से सभी बच्चे होशियार होंगे क्या? नहीं होंगे ना, तो समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे क्लास में होशियार नहीं हो सकते, कुछ कमजोर भी हो सकते हैं। तो उसमें एक विशेष गुण नहीं पाया जाता, जिसमें विशेष सभी में विशेष गुण पाया जाता है वही समुच्चय कहलाता है। तो देखिए समुच्चय के कुछ उदाहरण है। समुच्चय क्या है, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय हमारा कैपिटल लेटर हमेशा प्रदर्शित करते हैं नंबर एक में। फिर उसके बाद हमारा आता है दूसरे पॉइंट पे, यदि हम समुच्चय को एप्सिलॉन से हमेशा प्रदर्शित करते हैं। ये ग्रीक शब्द एप्सिलॉन शब्द प्रयोग करते हैं समुच्चय के लिए। जैसे कोई अब जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए बी सी डी, स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं समुच्चय के अवयवों को। अवयव क्या होते हैं? जो वस्तुएं होते हैं जिसके लिए कहा जाता है गुण वाले, तो वो अवयव होते हैं, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल लिए ले रहे हैं, उदाहरण लिए ले रहे हैं। मान लीजिए कह देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो समुच्चय हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर अब क्या कह रहे हैं, सभी स्वरों का। तो स्वर क्या होते हैं? स्मॉल लेटर अवयव हो गए, ए ई आई ओ यू, ये एक समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाहे हम आई लिख दें चाहे ओ लिख दें, कहेंगे कि ये हमारा स्वर ही है, वॉवेल्स ही है। ये हमारा चाहे अलग से लिख दें चाहे उसी में लिख दें, तो ये हमारा वॉवेल्स ही कहलाएगा। इसी वजह से इसमें से एक गुण पाया जाता है कि ये वॉवेल्स है, इसी कारण ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। तो समुच्चय आपको पहचानने में एक भी फेर नहीं करना है, समुच्चय को पहचानना सीखना है। समुच्चय कैसे, कौन वस्तु समुच्चय बनाएगी, कौन वस्तु नहीं बनाएगी। तो देखिए समुच्चय तो आपके, मैं आशा करता हूँ कि समुच्चय समझ में आएगा, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्लिक करिए, मैं आपको बार बार समझाऊंगा। और जितने भी टॉपिक्स पर आपको डाउट है तो कमेंट करिए, मैं हर पर वीडियो अपलोड करूंगा। तो देखिए समुच्चय को आपके ऊपर डिफिनेशन पता चल गई, समुच्चय कौन बनाता है, किस गुण के कारण बनती है, और यदि एग्जाम्पल लेते हैं, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। भारत के सभी स्वर हो गए, यदि व्यंजन ले लेते तो व्यंजन के अलावा कोई भी नहीं आता, तो वो भी एक समुच्चय कहलाएंगे। अब इसके बाद समुच्चय के कुछ प्रकार आते हैं, समुच्चय कितने प्रकार का होता है। तो पहले तो हमें समुच्चय
समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और उसके बाद दूसरे पार्ट में हम आपको समुच्चय के प्रकार बताएंगे और एक एक तो विशेष तरीके से समझा करके बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।